हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये ऑफिस जा चुके हैं और इनके बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। किचन मेरी अभी क्लीन नहीं हुई है, वो काम मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज मुझे बनाने हैं और मैं किचन में ही देख रही हूँ, ध्यान किचन में ही जा रहा है। आज मुझे बनाना है करेले। तो करेले सुबह इतनी जल्दी मैंने नहीं बनाए थे, तो अब मैं करेले बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसीलिए मैंने अभी वीडियो जो है आज शुरू कर लिया है। किचन वगैरह मैं बाद में समेट लूंगी, पहले मैं करेले बना लूँ, जिससे कि फिर जो बर्तन होंगे ना वो साथ साथ ही मेरे क्लीन हो जाएंगे, फिर किचन बार बार फैलेगी नहीं। और मैंने हाथ में ना, मेरा हाथ दुखने लगता है, बिल्कुल नहीं कैमरा पकड़ा जाता हाथ से। तो बस पहले मैं करेले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर जो भी बर्तन होंगे ना, करेले बनने में कई सारे बर्तन लगते हैं, किसी में प्याज, किसी में छिलके, किसी में करेला, तो वो सब साथ के साथ साफ़ हो जाएंगे। आज मैंने बाहर धुलाई वगैरह नहीं की है, वो कल कर दी थी, आज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कर रही हूँ। रोज़ मैं बाहर की साइड नहीं कर रही हूँ, बस प्लांट वगैरह क्यारियों में पानी अंचने दे दिया है, तो वो काम हो चुका है। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही पता लग गया है कि गर्मी है काफ़ी, धूप बहुत तेज़ है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, करेले छील लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो है शुरू करते हैं हम करेले बनाना। पुदीना रखा हुआ है मेरा सूखा, कल ही सुबह के टाइम आंच लेके आया था मार्केट से, फ्रेश फ्रेश एकदम, तो वो मैंने सुखा लिया है। उसको भी मुझे क्रश करना है, सूखा हुआ रखा है, तो वो करूँगी। बस ये छोटे मोटे जो काम है मेरे, ये मैं सारे कंप्लीट कर लूँगी। मशीन में आज अभी नहीं लगा रही हूँ, सुबह के टाइम, शाम के टाइम लगाऊँगी, बहुत तेज़ धूप है। सबसे पहले करेले छीलने हैं और हल्के से ही छीलना होता है, ऐसा नहीं बहुत मोटा इनका छिलका उतारना होता है। तो हल्का हल्का चाकू से, पील करने वाले से आप कर सकते हैं तो उससे कर ले, नहीं तो इस वाले से कर ले। बहुत ही हल्का सा छिलका निकालना होता है और कुछ लोग बिना छिलके के भी बना लेते हैं, मतलब बिना छिलका निकाले। तो छिलका मैंने इनका निकाल लिया है और जिसमें भी बीज मुझे लग रहा है कि करेले में बीज पक्का है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो उसको मैं निकाल रही हूँ। और जो लगते हैं कि करेले बिल्कुल कच्चे वाले हैं, जिनके बीज नहीं हैं, तो वो मैं ऐसे ही कट कर लूँगी और ऐसे ही पीस में मैं कर रही हूँ, बस स्लाइस काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको लेंथ वाइज भी काट सकते हैं, लेकिन करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। भरवा करेले अलग तरह से बनते हैं, तो वो अभी मैंने नहीं डाले हैं इस सीज़न में कोई भी रेसिपी करेले की, आज पहली बार मैं करेला बना रही हूँ। हाँ, करेले की रेसिपी चैनल पे डाली बहुत हैं, सब तरह की डाली हैं, भरवा करेले और सब्ज़ी भी डिफरेंट तरीके की, लेकिन इस बार जो सीज़न गर्मी का शुरू हुआ है, शायद ये पहली ही मेरी रेसिपी है। तो कढ़ाई मैंने रख दी है और उसमें सरसों का तेल डाल लिया है। करेले हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं। और ये मैंने चार प्याज ली थी, चारों प्याज मैंने लेंथवाइज काट के रख ली हैं जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है। और फिर ये करेले इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा करेले को यहाँ पे फ्राई करना है, और ऐसे करने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इनको यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी। कुछ लोगों को लगती है कि करेले की सब्ज़ी आप कैसे खा लेते हो, कड़वी लगती है, सब तो नहीं, लेकिन मेरे मायके में ही ले लीजिए तो वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि तुम कैसे ये सब्ज़ी बनाते हो, मम्मी मुझे बोलती है कि कड़वी नहीं लगती, तो मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी, हमें आदत हो रही है, बहुत साल हो गए हैं इसी तरह से, यहाँ पे करेले ज़्यादा बनते हैं मेरी ससुराल में, और डायबिटीज़ में अच्छे भी रहते हैं, फ़ायदे के हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ और इस तरह से भी बना लेती हूँ, फ्राई करके और बिना फ्राई के भी बना लेती हूँ। तो बस हल्का सा ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी और फिर वही कढ़ाई मैंने ले ली है। और ये सब्ज़ी मैं बहुत ही कम ऑयल में बना रही हूँ, हालांकि करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऑयल में बनती है, लेकिन मैं बहुत ही कम ऑयल ले रही हूँ। तो फिर से मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल लिया है, गरम कर लिया है, और उसमें डाल लिया है आधा चम्मच मेथी दाना। और यहाँ पे तेल मेरा तेज़ गर्म हो गया था धुआं निकालने के चक्कर में, तो बहुत ही जल्दी मुझे इसमें प्याज डालनी पड़ी है। और प्याज के साथ साथ मैंने इसमें ये ढेर सारी हरी मिर्ची डाल दी हैं। करेले की सब्ज़ी बहुत ही तीखी सी टेस्टी लगती है, हरी मिर्च मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ करेले में, लाल मिर्च बहुत कम करती हूँ। तो और हरी मिर्च भी फिर डिपेंड करता है कि हरी मिर्च तीखी हैं या कम तीखी हैं, ये कम तीखी वाली हैं,
तो प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है करेला, और अभी तक इसमें कोई भी मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो अब इसमें थोड़े से हम मसाले डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर डाल दूंगी और नमक टेस्ट के हिसाब से, और हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। हींग मैं पहले डालती तो जल जाता, क्योंकि मेरा तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इस टाइम डाले हैं। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और हींग मैं मोस्टली सब्ज़ी में डालती ही हूँ। और मसाले में सिर्फ हल्दी और नमक डाल रही हूँ इस टाइम, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आँच लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कोई पानी कुछ भी मॉइस्चर वगैरह नहीं है। तो बस इसको भूनना है हमें। भुनी हुई ये करेले की सब्ज़ी बनती है, कलर इसका हल्का सा डार्क आता है, लेकिन भुनी भुनी करेले की सब्ज़ी और जो इसकी खुशबू फ्लेवर होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम आँच पे, लो आँच पे करके छोड़ दिया है। और ये रखा है मेरा सूखा पुदीना, जिसको मैंने सुखा लिया है। कल सुबह इसको अंच लेके आया था, और इसमें कुछ सूखे पत्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब पीले वाले पत्ते, तो उनको मैं निकाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने धूप में रख दिया था कल, और फिर रात में ये ऐसे ही रखा रहा। गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही सूख चुका है, अंदर छाया में ही रखा रखा, क्योंकि हमारे घर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मैं ये डंडियाँ अलग निकाल रही हूँ, और दो तरह से ये हो जाता है, ड्राई मिंट, सूखा पुदीना हम तो बोलते हैं खैर। तो या तो आप पहले इसके पत्ते निकाल लें, जैसे हरा पुदीना हम लेके आए हैं, अच्छे से धो लिया है जब हम सुखाते हैं, या तो फिर तभी हम इसके पत्ते अलग कर लें, डंडी अलग कर लें, या फिर ऐसे हो जाता है। तो कल मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने ऐसे ही सुखा दिया था। और फिर अगर सुखाते नहीं हैं साथ साथ, तो वो फिर पीला पड़ जाता है, अच्छा पुदीना उसका नहीं बनता, कलर अच्छा नहीं रहता। और इसको मैंने एक कटोरी ले ली है, उससे कर रही हूँ। हाथ में मेरे तिनके से है ना इसके, तो ये चुभ रहे थे थोड़े थोड़े, तो फिर मैंने इसको हाथ से ही किया है, हालांकि उससे हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से कर लेते हैं, और मम्मी हमेशा ऐसे ही सूखा पुदीना बनाती है, तो उन्हीं से सब कुछ सीखा है, सभी अपनी माँ से ही सीख के आते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे छान लूँगी, जो इसके ऊपर थोड़े से छोटे छोटे तिनके टाइप रह गए हैं, तो वो ऊपर छलनी में आ जाएंगे, और नीचे हमारे पुदीने की पत्ती आ जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा, जल्दी से ये पुदीना बन के तैयार हो जाता है, और बहुत टेस्टी लगता है रायते में। गर्मी के सीज़न में खासकर ज़्यादा जो है क्वांटिटी में रायता बनता है, डेली ही बन रहा है मेरे घर में, तो खीरे का रायता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उसमें बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको मैं एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लूँगी, छोटी डिब्बी कांच की हो तो उसमें रख लें। और यहाँ पे बीच में मैं इसको एक बार चला चुकी हूँ, एक बार फिर से चला रही हूँ, और नीचे से प्याज हमारी काफ़ी भुन चुकी है, लगभग सब्जी हमारी हो ही गई है, बस थोड़ी सी कमी है। तो अब मैं इसमें थोड़े से मसाले और डालूँगी। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ पाउडर डालूँगी, और 1 चम्मच ये अमचूर पाउडर डालूंगी। अमचूर पाउडर की जगह आप इसमें छोटे छोटे जो कच्चे आम होते हैं वो डाल सकते हैं। और ये पैकेट मैंने अभी ओपन किया है, ख़त्म हो गया था पहले वाला, तो इसलिए मैंने डब्बे से ही डाल दिया है, अंदाजे से 1 चम्मच के करीब। अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी, और सौंफ मैं अभी डालने वाली हूँ, अभी डाली नहीं है। तो सौंफ इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, खटाई भी और सौंफ भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर हम इसमें खटाई का यूज़ करते हैं तो कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और करेले पहले से ही फ्राई थे, तो बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन गई है। जब तक मैंने पुदीना किया है, तब तक मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। तो 1 मिनट के लिए इसको मैं और कवर करके अभी पका लूँगी, जिससे कि मसाले का फ्लेवर अच्छे से करेले में आ जाए। और बहुत ही भुना भुना सा ये करेला बन के तैयार होता है, और आप देख सकते हैं ऑयल की इसमें एक बूंद भी आपको नज़र नहीं आएगी बिल्कुल भी। हालांकि मैंने देखा है करेले की सब्ज़ी में ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। हाँ, भरवा करेले थोड़े से ऑयली बनते हैं, लेकिन ये वाली मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और इसी बिल्कुल मेथड से आप बना के देखिएगा एक बार, बिल्कुल भी आपको कड़वी नहीं लगेगी। तो किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आई हूँ रूम में अंदर। और जैसा कि आपको पता ही है, कल से हम इस रूम में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब रात में सोने के लिए रूम तो ये कहीं दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, सर्दियों में उस रूम में और गर्मियों में इस रूम में। लेकिन इसमें क्या है, सामने से धूप आती है दोपहर के टाइम में, और फिर इसमें गर्माहट होता है, बहुत ज़्यादा तपन सी महसूस होने लगती है, अच्छा नहीं लगता, रोशनी आती रहती है। और गर्मी के सीज़न में जहाँ रोशनी भी दिखाई देना, तो ऐसा लगता है कि जैसे धूप आ गई हो, और वैसे भी धूप आ ही जाती है इस रूम में सामने से।
अगर गेट खोलते हैं तो गेट में तो सामने से ही आती है, और रस्सी से जो बाहर है इसका कांच वो तपता है तो बहुत ज़्यादा तपन महसूस होती है। तो यहाँ मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, श्रेय नहीं है। श्रेय तो पहले लगाए थे, जो पिछले साल हमने कागज़ ही लगाए थे इसमें, मतलब न्यूज़पेपर लगा दिए थे, लेकिन बाहर लगाए थे जो कांच है उस पे लगाए थे, बाहर भी अंदर की साइड, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे थे ना ही बाहर से और ना ही अंदर से। लेकिन अब बाहर धूप आ चुकी है, इतना लेट हो चुके हैं, बहुत टाइम लगता है, और श्रेय है नहीं तो हम माँ बेटा लग चुके हैं। कोई जल्दी सा काम हमने ढूंढ लिया है, तरीका मतलब जल्दी वाला। तो ये मेरे पास कैटलॉग पड़ी हैं, बुक आती हैं जो कैटलॉग के साथ, तो उनकी बुक को मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब भद्दापन लगेगा या कुछ गंदा लगने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कर्टन आ जाएंगे। बस ये है कि हाँ, अंदर धूप नहीं आएगी तो हमें ये कवर करना है, रोशनी वाला एरिया जिसमें रोशनी आती है बाहर से। और गर्मी के सीज़न में रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल गर्मी ही अंदर आ गई हो। तो बस ये हम दोनों माँ बेटा लग के कवर कर रहे हैं, टेप से लगा रहे हैं इनको। तो न्यूज़पेपर वगैरह मैंने कुछ नहीं लिए, बस ये पड़ी हुई थी बुक, तो इनके पेज निकाले मैंने और ये फटाफट से हमने लगा दिए, और बहुत ही अच्छा कवर हो गया। बिल्कुल अंधेरा हो गया है रूम में, बाहर की रोशनी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये जो हमारी विंडो है इसको हम ओपन तो करते नहीं हैं, एसी चलता है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि विंडो वगैरह ओपन करनी है। और वैसे भी इतना खुला मेरा घर है तो विंडो वगैरह हम कभी भी ओपन नहीं करते हैं कि मतलब जाली खोल लो, ये खोल लो, तो शीशा खोल लो बाहर से, तो वो हम नहीं करते हैं। तो बस ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए जी, हमारा काम हो गया है कंप्लीट, और ऊपर देखिए कितनी मॉडल लगा दी हमने आज बहुत सारी मॉडल लग गई हमारे घर में तो देखो कितनी सारी मॉडल लगा दी, लेकिन अच्छी खासी जो है धूप बिल्कुल खत्म होगी। देखो कितनी धूप है बाहर, मतलब उबला हुआ रहता है हमारा रूम, बिल्कुल उबला हुआ, धूप देखो कितनी तेज है। तो ये धूप जो है बिल्कुल खत्म होगी, और अब देखो कितना अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। गर्मी के मौसम में ना बिल्कुल जो रोशनी है ना वो भी ऐसी लगती है जैसे कि धूप हो, हालांकि धूप ही आती है, सामने का सूरज आता है बिल्कुल। तो अब हमारा यहाँ बैठने में भी मन लगेगा और थोड़ा सा जो है ठंडक भी रहेगी। तो अब हमारा बिल्कुल अंधेरे जैसा हो गया, बिल्कुल नहीं रोशनी आ रही बाहर की। तो वैसे भी हम ये कर्टन हटाते ही नहीं है, जाली वाली खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे मेन गेट है तो पूरा खुला घर है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कोई जाली वाली खोल लें, विंडो ओपन करें, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन मॉडल ऐसे ही बैठी रहेंगी, अगर हम कर्टन लगाएंगे तो छुपेंगी। अच्छी लग रही है वैसे, चलिए। हेलो, हाँ जी, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है और शाम के 5:30 का टाइम है और मौसम हो रहा है ख़राब, तूफान आने वाला है। और कल तो खैर बच गए थे, कल आया था मेरे मायके में तूफ़ान, यूपी में कल तूफ़ान आया था, यूपी में भी पता नहीं हर जगह आया था कि मेरे घर पे ही आया था, मतलब मेरे गांव में आया था। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ रात तूफ़ान आया था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और मेरे पीछे तक गेट पूरे जो है इस टाइम खुले हुए हैं। अभी मैं कपड़े सुखा के आई हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने आज देर से ही धुले हैं, तो बस वही मैं सुखा के आई हूँ। और अब आई हूँ मैं बाहर, इधर मेरा मन है थोड़ा सा ऊपर जाने का, क्योंकि और ये देखो ये हमारे ये भी ना मनी प्लांट वगैरह और जो ये यहाँ पे हैं प्लांट्स, ये सारे पीले पड़ गए क्योंकि सामने का सूरज आता है, इतनी तेज़ धूप होती है इन दिनों, तो बस धूप में हालत ख़राब है। और मैं और अंश, हम दोनों माँ बेटा, हम दोनों जा रहे हैं ऊपर थोड़ी देर के लिए। घर में इस टाइम उमस सी हो जाती है, और वैसे तो तूफान, अंश तूफान आने वाला है शायद, आने वाला है, बस सारे कपड़े कपड़े गिर जाएंगे नीचे, कपड़े नीचे गिर जाएंगे हमारे, गिर जाने दो, दोबारा धो देना। मैंने बोला था कि पिन लगा दे, पिन नहीं लगाया, चलो तो थोड़ा सा, और मेरा मुँह ना सूजा सूजा सा आ रहा, स्वेलिंग सी हो रही, सो के उठा है ना तब, और सोई नहीं मैं आज, मैं आज अंश नहीं जाते ऊपर, तूफान आ गया, कपड़े उतार कपड़े उतार कपड़े उतार जाके, यह तो वो लगाया, पिन लगाया कपड़ों का, आ जा लगा के। सच में तूफान आने वाला और धूल भरा तूफान आएगा आज, बहुत बुरा आएगा। क्या आ गया, आ गया, देखो जी आ गया तूफान, देखो। मैं आई थी थोड़ी सी हवा लेने के लिए कि चलिए थोड़ा सा जो है मौसम अच्छा हो रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर,
लेकिन ऊपर आते ही हो गई हालत ख़राब। कपड़े सुबह ही धुल लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन गर्मी इतनी थी मैंने सोचा शाम को छाए में सूख जाएंगे, धूप में भी कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। हाँ बस लगा दे, अभी इतनी तेज़ नहीं है, लगा दे। हंच लगा रहा है नीचे, देखो हंच लगा रहा है पिन कपड़ों को। और आपके एक दो कमेंट आए हैं क्या? प्यारे बच्चे भी मैं बड़े बड़े नेल शुरू कर रखे हैं। आ रहे कब? हाँ देखो अंश ने अभी तक नेल्स नहीं काटे, वो बोल रहा मुझे मम्मी हाँ कमेंट आ रखे है, अब मैं गंदा बच्चा हो रहा हूँ। तो नेल्स काटता नहीं है, मैंने इतना सिर पटक लिया कि बेटा काट ले काट ले, काटता नहीं। किस दिन गुस्से में आके ना मैं ही काट दूँगी। और कल क्या हुआ, हंस को मैं बोल रही थी कि चल आज मैं ही काटती हूँ गुस्से में आकर उसके नेल्स। जैसे ही मैंने नेल्स कटर उठाया तो मेरी वहाँ पे चूड़ी रखी थी, और यही वाली चूड़ी थी जो मैं नई लेके आई थी। तो क्या हुआ, एक चूड़ी नीचे गिर गई उसमें से, फिर बस मैंने कटर तो वहीं रख दिया। तो चलो भाई चल दिया नीचे, तूफान बहुत तेज आ गया दोस्तों। हेलो, अभी अभी तो मैंने पिंस लगाई थी और अभी मैं मम्मी नीचे भागती हुई आई और फिर सब उतार लिया। तेज तूफान आया ऊपर जाते ही, तो एकदम मैंने चाय सारे कपड़े उतारे, दोनों साइड के लोग लगाए, बहुत तेज तूफान आ रहा, बहुत तेज लाइट चली गई, तभी आपको अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा होगा, सिर्फ इन्वर्टर की लाइट है एक ही, तो लाइट जा चुकी है, हम पता नहीं तूफान में कब आएगी। और आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या लाया मैं। आज अंश की सब्जी देखो, अंश लेके आया था भिंडी, आजकल अंश ला रहा है सब्जी, और ये दो छोटी छोटी सी लौकी, क्योंकि सब्जी कहीं भी ढंग की नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल हालात हो रहे। खीरे और बस बनाना ये लेके आया था। मम्मी ने मुझे गुरु मंत्र बता दिया लौकी और खीरे का, दबने नहीं चाहिए, तो एकदम सख्त वाले लाया हूँ और एकदम बढ़िया है। मैंने से ये बोलना था कि मम्मी कैसे होंगे पक्के, मैंने जो बासी हुए रहे ना तो वो अंदर से ऐसे होते रहे जैसे दबते रहे, तो मैंने दबा के देखिए पहले, खीरे बिल्कुल एकदम टाइट वाले होने चाहे और कलर अच्छा होना चाहे, तो ये ऐसे ही लोगी देख के लाया और ऐसे खीरे एकदम बढ़िया है। तो चलिए गर्मी बहुत लग रही है, अब मैं नींबू पानी पीऊंगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पैनकेक, उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये एक छोटी कटोरी मैंने मैदा ले लिया है, और कप नहीं उठाया, कप से ले सकते हैं या जो भी बर्तन आप लें, मेजरमेंट एक ही बर्तन का रखें। तो ये मैंने एक छोटी वाली कटोरी ली है मैदे की, और इसमें 1/4 कप या कटोरी जो भी लिया है वो ली है मैंने चीनी, और चीनी ये मोटे वाली है, तो जैसे ही बारीक पाउडर लेंगे तो वो थोड़ी सी कटोरी ऊपर तक आ जाएगी, पाउडर बनता है तो थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा बढ़ता है, वेट उतना ही रहता है। तो उस तरीके से अगर आप पाउडर ले रहे हैं चीनी का, तो वो थोड़ा सा आप ऊपर तक लें, हाफ कटोरी ले लें। और ये मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के करीब डाला है इसमें मिल्क पाउडर, नेस्ले का रखती हूँ मैं, वही वाला डाला है। और मिल्क पाउडर से जो इसका फ्लेवर आएगा और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और यहाँ पे घी लिया है मैंने, रिफाइंड ऑयल नहीं लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैंने घी लिया है 1/4 कप के हिसाब से लिया है, मेजरमेंट उसी हिसाब से रखा है, हालांकि मैंने अंदाजे से डाल दिया है। और 1 कटोरी मैंने दूध ले लिया है, वही कटोरी ले ली है जिससे मैदा डाला था, और फिर इसको मिक्सी में चला लिया है। और चीनी मैंने पहले इसीलिए नहीं पीसी क्योंकि लाइट है नहीं, तो मैं इन्वर्टर से कर रही हूँ, और इन्वर्टर से इतनी ज़्यादा मिक्सी बार बार चलाना, तो वो मैंने एक साथ इसीलिए कर लिया। और चीनी पिस भी गई है, अगर आप पाउडर लें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया है, कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पे पैन रख दिया है, और आप चाहें इसमें कोई फ्लेवर डाल सकते हैं जैसे कि वनीला, इलायची, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। 1 बूंद ऑयल लिया है और इसको टिश्यू से साफ़ कर लिया है अच्छे से, और बस 1 चमचा लिया है मैंने उसमें बैटर लिया है, और धीरे एक ही साथ एक ही जगह पर सारा बैटर डाल देना है, और डालने के बाद फ्लेम बहुत लो कर देनी है और इसको कवर कर देना है 1 मिनट के लिए, या जब तक नीचे से लगता है कि हाँ हमारा ये पैनकेक हो गया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पैनकेक हमारा सिक गया है, तो इसको मैंने पलट दिया है। ये देखिए अंदाज़ा हो ही जाता है, ऊपर इसमें जाली जाली हो जाती है और लगने लगता है कि हाँ ये अच्छे से सिक गया है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट पैनकेक बने थे, बहुत ही सॉफ्ट। 1 बूंद मैंने फिर से घी की डाली है और
बस मैंने ऑयल नहीं लिया, आप ऑयल डाल सकते हैं, तो मैंने ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, तो घी ही कर रही हूँ। और फिर से मैंने यहीं पे इसी तरह से एक चमचा बैटर लिया है, पूरा भर के नहीं ले रही हूँ, उसको डाल दिया है। और फिर देखिए, अब फिर ये जो है नीचे की साइड से पक चुका है, अब मैं इसको फिर पलट दूँगी। और इस बार देखिए, पहले वाला तो इतना अच्छा नहीं सिका था, ये देखिए बिल्कुल एकदम जैसे डोरेमोन के होते हैं ना, डोरा केक, बिल्कुल उसी कलर के हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे। और इस तरह का मैंने ये पहली बार बनाए हैं, जैसे कि मिल्क पाउडर वगैरह डाल के सिंपल बना लेती हूँ पैनकेक। और फिर से बस ऐसे ही मैं सारे मैं जो है ये डोरा केक, पैनकेक, जो भी आप बोलना चाहें वो मैं बना के तैयार कर लूँगी। बस आँच का ध्यान रखना है, बहुत लो करनी है। अगर हमारा पैन गरम लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा गरम ज़्यादा हो गया हो, तो एक मिनट के लिए आप या तो इसको आँच पे से हटा लें या फिर फ्लेम बंद कर दें। जैसे ही पैन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर से जला लें आँच और फिर से पैन को गरम कर लें। तो देखिए कितने अच्छे डोरा केक बन गए हैं। और इस बैटर में छोटी कटोरी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कप जो मेजरमेंट का होता है उससे तो काफ़ी कम था। तो 5 डोरा केक बन गए हैं ये, और बहुत ही अच्छे सिके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। आप चाहें तो थोड़े मोटे अगर आपको बनाने हैं तो आप इसका बैटर थोड़ा सा थिक रख सकते हैं, तो उससे मोटे बन जाएंगे। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, पतले से ही बनाए हैं। और बैटर मेरा जैसा हो गया था तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, और कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एकदम मन आया कि चलिए ये कर लेते हैं, मीठा बना लेते हैं। हंस को भूख भी लग रही थी और ये थोड़ा लेट ही आते हैं, तो जब तक खाना होगा और आज खाने में कुछ ज़्यादा बनेगा भी नहीं। तो ऊपर से मैंने न्यूट्रेला लगा दिया है, आप चॉकलेट सिरप कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। खाली भी अगर खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और फिर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, तो देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं, तो खाने में तो आप समझ सकते हैं कि कितने टेस्टी ये होंगे। और वैसे भी घी के साथ बनाए हैं तो फ्लेवर बिल्कुल अलग ही आ रहा था। और ये बीच में मैंने एक छोटा सा बनाया था, मतलब बाद में इतना ही बैटर बचा था। तो देखिए तैयार हो गए, और अंच का ये तैयार मैंने कर दिया है। और ये देखिए, तोड़ के दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक इतने अच्छे पके हुए, बहुत ही अच्छे। देखिए बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, और सोडा वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया था, बस बेकिंग पाउडर डाला था थोड़ा सा, तो बहुत ही टेस्टी। देखिए तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हाँ जी, डोरा केक बन गए, या पैन केक, जो भी आप बोलना चाहें, मुझे नहीं पता क्या है, पर लेकिन मैंने बना दिए बस। कई लोग डोरा केक बोलते हैं, डोरा केक ना थोड़े से और मोटे से छोटे से होते हैं, तो ये थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो आप सॉफ्ट वाले पैन केक लगा लीजिए। और जो मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो उसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आया है, और खुशबू भी बन रही थी ना तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। एक तो घी के थे, देखो इसने चेक कर लिया, टेस्ट किया ना, बता बेटा। लाजवाब, लाजवाब, न्यूट्रेला वाला ने किया। अच्छा लेकर के बता। नहीं अभी नहीं, बाद में। नहीं 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 टेस्ट करके बता, अवंश बताएगा। बिल्कुल डोरेमोन वाला ही है, तो देखा था खाके डोरेमोन वही एकदम। नहीं सच में सॉफ्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये मैंने सही बताऊं आपको, इस तरह के पहली बार बनाए हैं, सिंपल पैनकेक बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह के जैसे मिल्क पाउडर वगैरह इसमें मैंने ऐड किया है और घी का बनाया, तो ये मैंने पहली बार बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, तो ट्राई करके आप देख लीजिएगा। और मेरा बच्चा तो बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। और नेल्स के कॉमेंट आ रहे हैं, इसके नेल्स इतने बड़े कर रखे इसने, लेकिन आज थर्सडे है तो आज तो नहीं कटेंगे, कल ये नेल्स जरूर काटेगा और आपके सामने काटेगा। ठीक है जी, तो चलिए शाम हो गई है, अब मैं पूजा करूंगी, पूजा का टाइम हो चुका है, और रात के खाने में कुछ नहीं बनेगा, करेले की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी रखी है, तो हम करेले और दूध से रोटी खाएंगे। करेले तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, दोपहर में खाया था हमने करेला दाल रोटी, तो करेले की सब्जी के साथ दूध और रोटी, ये हमारा गांव वालों का सिंपल खाना होता है जो कि बहुत टेस्टी होता है, और यही हमारा आज होने वाला है।
तो चलिए यही थी आज की वीडियो। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलेंगे कल एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।